नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में मैं सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। ओमान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ओमान टेल ने चक्रवात प्रभावित विलायतों के लिए मुफ्त कॉल्स की घोषणा की है। ओमान टेल ने 11 अक्टूबर 2021 तक साइक्लोन शाहीन से अत्यधिक प्रभावित मुसन्ना, सुवैक और अल खबूरा विलायत में रहने वालों के लिए मुफ्त कॉल्स और SMS की पेशकश की है। ओमान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अरब देशों के राजदूतों के बीच परामर्श बैठक और अरब जर्मन चैम्बर की महासभा के निदेशक मंडल की बैठक में भाग लिया। सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने जिनेवा में होने वाली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की 62वीं महासभा में बैठक में भाग लिया है। इस महासभा का आयोजन इसके मुख्यालय स्विट्जरलैंड में 4 से 8 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। UAE का पासपोर्ट बन गया है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट। सोमवार को जारी 199 देशों के पासपोर्ट इंडेक्स में UAE के पासपोर्ट ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह स्थान मोबिलिटी स्कोर को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। मोबिलिटी स्कोर इंडेक्स में UAE पासपोर्ट होल्डर्स को सबसे ज्यादा देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलने की वजह से यह टॉप रैंकिंग मिली है। कतर में जल्द ही सिर्फ महिलाओं के लिए बीच खुलेगा। कतर में अल शमाल म्युनिसिपैलिटी और मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड एनवायरमेंट्स नेचुरल रिजर्व डिपार्टमेंट के सहयोग से अल ममला क्षेत्र में समुद्र तट के पास की एक पट्टी की पहचान की गई है जो विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं के लिए होगा ताकि वे बीच पर अपने समय बिताने का आनंद ले सकें। सुप्रीम काउंसिल फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स के पहले डिप्यूटी चेयरमैन और जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के प्रमुख और बहरीन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख खालिद बिन हमाद अल खलीफा ने किंगडम में बहरीन क्लब का दौरा किया और खेलों में इस क्लब की भूमिका और योगदान की प्रशंसा की। आज के समाचारों में बस इतना ही। द डजन स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।